हरदोई के डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर सदर एसडीएम आईएएस दीक्षा जैन ने कछौना के गौसगंज रोड पर स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यहां पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तमाम कमियां पाई गई, जिसके बाद एसडीएम ने अपनी मौजूदगी में अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड सेंटर के जरूरी अभिलेख अपने कब्जे में लिए। एसडीएम ने बताया कि रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी और उसके बाद विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कछौना के गौसगंज रोड पर हेल्थ केयर एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर का सदर एसडीएम दीक्षक जैन ने अहिरोरी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के साथ छापा मारा। इस दौरान उन्होंने कछौना के प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिंह को भी मौके पर बुलाया। एसडीएम ने करीब 3 घंटे से अधिक यहां पर अभिलेखों की पड़ताल की, जिसमें उन्होंने कई कमियां पाई हैं। भारी अनियमितता पाए जाने पर उन्होंने राजस्व व पुलिस विभाग के द्वारा अपनी मौजूदगी में अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया और अभिलेखों को भी कब्जे में ले लिया है। एसडीएम सदर ने बताया कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो रहा था, जिसको पंजीकृत चिकित्सक के बजाय एक दूसरा व्यक्ति कर रहा था, जो कि यहाँ वेतन पर काम करता है। एसडीएम के मुताबिक गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड को लेकर जो रिपोर्ट सीएमओ के यहाँ प्रेषित की जाती है, उसमें भी कई प्रकार की कमियाँ पाई गई हैं। तमाम अनियमितताएँ मिली हैं, जिसके चलते सेंटर को सीज कर दिया गया है और उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी जाएगी और पूरे मामले में विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कछौना में हेल्थ सेंटर के नाम से था। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा एमओएसए हिरोरी भी साथ में थी और एसएचओ कछौना भी रहे, और यहाँ पर निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर ये जो हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की कार्रवाई जो की जा रही थी, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिला। और मात्र एक व्यक्ति जो अपने आप को बता रहा था कि मैं इसी सैलरी पर काम करता हूँ, वो ही यहाँ पर काम कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने अभिलेखों का जो प्रथम दृष्टया परीक्षण किया है, उसमें यह भी पाया है कि इन्होंने जो गर्भवती महिलाओं की जांच की रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस में भेजी है, जो इनको भेजनी होती है, उसमें और इनके अन्य अभिलेखों में और मौके पर मौजूद पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है, जिसकी वजह से इसमें बहुत घोर लापरवाही और अन्य अनियमितताओं की शंका है। और इसकी वजह से इसको आज सील कर दिया गया है मेरे प्रेजेंस में, और इसकी अब विस्तृत जांच करके रिपोर्ट भेजी जाएगी आगे। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।